नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सुबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सुबह की शुरुआत बहुत शुभ हो तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और इसीलिए सुबरंग में भी हम बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत बातें लेकर आपके लिए आते हैं। शुरुआत आज एक मच्छर के प्रसंग से कर रहा हूँ। एक मच्छर ने पहली बार, यंग मच्छर ने पहली बार उड़ान भरी। जब वो वापस आया तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा, तेरी फर्स्ट फ्लाइट कैसी थी? तो मच्छर ने कहा, पिताजी मज़ा आ गया, मैं जहाँ भी गया ना, लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। रास्ते में वो जहाँ भी जा रहा था, लोग तड़ 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 मारने की कोशिश कर रहे थे कि मच्छर कहाँ से आ गया। और उसने ये लिया कि पिताजी, मैं जहाँ भी गया, लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। सचमुच देखने के नज़रिए सोचने पर कितना कुछ निर्भर करता है। यदि वो ये सोच लेता कि कैसे जालिम लोग हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं, मैं कल से बिल्कुल नहीं उड़ूंगा, तो शायद वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता। और जब उसने ये सोचा कि मैं जहाँ भी गया, लोगों ने तालियों से स्वागत किया, तो सचमुच वो खुशी से भर गया। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही सुंदर विचार रखते हुए आगे बढ़ें, और यही कारण है कि हम शुरुआत सुवाक्य से करते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। स्टीव जॉब्स। जी हाँ, ईश्वर ने हम सबको एक सीमित समय अवधि के लिए संसार में भेजा है। वो वक्त भी यदि हम दूसरों को देखकर या उनके बारे में सोचकर बिता दें, तो आप ही बताइए फिर हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे। इसीलिए परमात्मा शिव भी कहते हैं कि दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखिए और खुद अपने अंदर बदलाव लाइए, तो आपका ये जीवन और ये सारी दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। मित्रों, आप अपने बाइक, स्कूटर या साइकिल को एक पहिए से नहीं चला सकते। दोनों पहियों का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। यदि एक पहिया पंचर हो तो आप एक पहिए से उसे लंबा नहीं खींच सकते या उसका आनंद नहीं ले सकते। ये बात और है कि आजकल के युवा एक पहिए पे ही स्टंट करते रहते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक ये नहीं किया जा सकता। मन को तो हम दुरुस्त रखते हैं अच्छे विचारों से, लेकिन वैसे ही तन पर ध्यान देना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके जीवन रूपी ये दोनों पहिए, तन और मन, आपकी द्विचक्र वाहिनी ठीक ठीक रहेगी, तभी आप संपूर्ण सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकेंगे। और यही कारण है कि आपकी सेहत आपके हाथ हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप अपने तन का भी सही सही ध्यान रख सकें। आइए आज सुनते हैं कि एड़ियां जो हमारी फटती हैं, उनका कैसे हम अच्छे से उपचार कर सकते हैं। ओम शांति। सर्दियों में देखा जाता है आम तौर पर कईयों की पैरों की एड़ियां फटती है, पैरों की अंगुलियों में भी स्किन फटती है, और कभी कभी हाथों की हथेलियों में भी स्किन का फटना देखा गया है। तो उसके लिए एक घरेलू उपाय हम देखेंगे। मोमबत्ती सबके पास रहती है, तो उसका मोम ले, और जितना मोम है उससे डबल कैस्टर ऑयल, जिसको एरंड का तेल कहते हैं, वो लेना है। दोनों को एक साथ गर्म करना है, एकदम मिक्स हो जाए तब तक गर्म करना है, बाद में उसको साइड में रख देना है। अब ये एक मलहम बन जाएगा, इसी मलहम को रोज़ लगाना है। जब पैरों पे लगाएं तो पैरों पर मलहम लगाने के बाद सॉक्स अवश्य पहने, क्योंकि मिट्टी मलहम में मिक्स हो जाने से पैर खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से रोज़ इसका उपयोग करने से धीरे धीरे ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। ओम शांति।
दोस्तों, हमने जाना एड़ियों के फटने के इलाज के बारे में। आइए अब जानते हैं पैरों को हमेशा स्वस्थ रखने के उपाय। पहला है सफाई। दिन में एक बार साबुन से अच्छी तरह पैरों की सफाई जरूर करें। इससे हमारे पैरों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, सूखा रखना। पैरों की सफाई के बाद उन्हें पूरी तरह जरूर सुखा लें। खासकर उंगलियों के बीच की जगह ना सूखने से हमें दाद हो सकती है। तीसरा, नमी प्रदान करना। पैरों के सूखने के बाद उन्हें मॉइस्चराइजर लगाकर नमी प्रदान करें। ऐसा ना करने से हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी और एड़ियां फटने लगेंगी। चौथा, डेड स्किन को हटाना। महीने में एक बार डेड स्किन या जमी हुई ठोस चमड़ी को स्क्रब के द्वारा हटाना चाहिए और गर्म पानी में डुबाना चाहिए। पांचवा, मोजे और जूते पहनना। मोजे हमारे पैरों को धूल और कीटाणुओं से बचाते हैं। साथ ही आरामदायक जूते हमारे पैरों की मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। तो ये थे पैरों की देखभाल के लिए घरेलू उपाय। मित्रों, हमारा देश एक आध्यात्म प्रधान देश है, एक ऐसा देश जिसने सारे संसार को एक राह दिखाई है, सारे विश्व को एक साथ रहने की सीख दी है, विश्व बंधुत्व की भावना या फिर सारे संसार को एक सूत्र में बांध कर चलने की जो भावना है या राह है, मार्ग है, वो दिखाया है। और यही कारण है कि सारा विश्व भारतवर्ष को एक महान देश के रूप में मानता है। हम भी स्पिरिचुअल इंडिया में अपने देश की इन्हीं सुंदर बातों को, जिनके कारण हमारा देश इतना महान है, आप तक पहुंचाते हैं। आइए आज आपको लिए चलते हैं हम चार मीनार के शहर या फिर मोतियों के शहर, निज़ाम के शहर हैदराबाद में। शांति। चलिए आज जानते हैं भारत का एक प्रमुख शहर हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद शहर तेलंगाना राष्ट्र का कैपिटल है। हैदराबाद का नाम सुनते ही याद आता है मोतियों और चूड़ियों से भरे हुए रंग बिरंगे बाजार, विश्व विख्यात गौतम बुद्ध का स्टैच्यू, चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम। ये इस शहर का ऐतिहासिक पहलू है। हैदराबाद शहर भिन्नता में एकता को बहुत सुंदर तरीके से अपनाता है। हैदराबाद में मुख्य स्तर पर तेलुगु, उर्दू और हिंदी बोली जाती है। मार्बल से बना हुआ बिरला मंदिर टैंक बंड के ऊपर, आंध्र और तेलंगाना के प्रमुख स्वातंत्र समरयोद्ध, कवि, चित्रकार, इन सब के प्रतिमाएं बनाए हुए हैं। यहाँ अनेक धर्मों का सुंदर सम्मेलन देखने को मिलता है। यहाँ की मेडिकल इंडस्ट्री भी विश्व विख्यात है। मेडिकल टूरिज्म के लिए भी हैदराबाद काफी जानी मानी है। गोलकंडा फोर्ट हैदराबाद की शान है। हैदराबाद में काफी प्रमुख विश्वविद्यालय भी है। चौमाला पैलेस, फलकनुमा पैलेस, जो हैदराबाद के 400 साल पुराना इतिहास को दर्शाते हैं। ऐसे हैदराबाद शहर में ब्रह्मकुमारीज कई दशाब्दियों से राजयोगा मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान की सेवाएं उचित रूप से कर रहे हैं। हैदराबाद में निर्मित शांति सरोवर विश्व विख्यात आध्यात्मिक क्षेत्र बन चुका है। तो ये था हैदराबाद के बारे में कुछ अनोखे पहलू। ओम शांति। मित्रों, अपने जीवन के सफर में ना जाने हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के साथ हमारी यादें जुड़ जाती हैं। वर्तमान के झरोखे से यदि हम अतीत में झांकें तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कुछ यादें हमें मायूस कर देती हैं तो कुछ यादें हमें महानता की ओर चलने को प्रेरित करती हैं, कुछ यादें हमें महका देती हैं। ऐसी ही एक याद आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी संतोष दीदी जी की महकती यादों में आइए उनके जीवन से प्रेरित होते हैं। ईश्वरीय दैवी रत्न आदरणीय संतोष बहन, आपको भी ब्रह्मा बाबा का साथ मिला।
आपके मुख से बाबा के साथ का अनुभव सुनते ही बनता था। आप बाबा के पास टाइप करने की सेवा करती थी, वो भी एक उंगली से। आपको ब्रह्मा बाबा की बहुत ही स्नेह भरी अलौकिक पालना मिली। संतोष बहन बहुत ही परिश्रमी थे, रेगुलर एवं पंक्चुअल। ईश्वरीय वाणी को जैसे उनमें साकार करने की कला बाबा ने भर दी थी। आपको स्वच्छता, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, एक नामी और इकोनॉमी का अवतार देखा गया। बाबा के अव्यक्त होने के एक दिन पहले 17 जनवरी की रात को आपने बाबा को अव्यक्त होने का सपना देखा। संतोष बहन ने कई राज्यों के सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए बीदर कर्नाटक में लंबे समय तक सेवा पर उपस्थित रही। उनके त्याग, तपस्या और सेवाओं का फल है कि बीदर की फुलवारी अब भी अपनी सुगंध से विश्व वाटिका को सुगंधित करे। हम सबको प्रेरित करती संतोष दीदी की महकती यादें। हमारे बड़े हमें प्रेरित करते हैं, सीख देते हैं कि जीवन में खुशी के पलों को संजो कर रखें। अच्छी बातों को जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं, उन्हें हमेशा अपने जीवन में शामिल रखें। खुशी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन का, और इसके लिए हमारा सारा प्रयास और पुरुषार्थ होता है। नए वर्ष को भी हम सब ने बहुत खुशी से, धूमधाम से मनाया। ब्रह्मा कुमारीज के अलग अलग केंद्रों में भी इसे उत्सव के रूप में ही मनाया गया और सुंदर सेवाएं भी की गईं। रांची में भी ऐसे ही सुंदर सेवाएं हुई। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में उसकी एक झलक। एसिकॉन 2021 द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के 81वें वार्षिक उत्सव पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत के कई नामचीन डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ASI के पूर्व प्रेसिडेंट BK डॉक्टर अशोक आर मेहता को एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया में अहम योगदान एवं मेडिकल प्रोफेशन में वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए ASI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट रहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सभी डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करते हुए उनके अहम योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान ASI के प्रेसिडेंट डॉक्टर अभय दलवी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जी सिद्धेश समेत कई प्रसिद्ध डॉक्टर्स शामिल रहे। मित्रों, कल मैं एक कार्यक्रम में एक विद्यालय में गया। वहाँ की दीवार पर लिखी हुई पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रेरित कर गईं। लिखा था कि पानी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। सचमुच बहुत पते की बात है हम सब के लिए। यदि आप रामायण को देखें, महाभारत को देखें, दोनों के कारण वाणी ही रहे। वहाँ भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ वाणी में, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं कह लें आप, वो हो गईं जो किसी को भी प्रिय नहीं थी। युद्ध किसी को प्रिय नहीं, अशांति किसी को प्रिय नहीं। जब हम भी वाणी की मर्यादा तोड़ते हैं, परिवार में कलह हो जाता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं, मिठास खत्म हो जाता है। तो क्यों ना इससे प्रेरित होते हुए हम अपनी वाणी को मधुर बनाएं, अपनी वाणी के माध्यम से सभी को सुकून दें, शांति दें, प्रोत्साहित करें। तो आप देखेंगे कि आप सर्व के प्रिय बनते जाएंगे, परिवार और आसपास का माहौल भी बहुत ही सुखमय होता चला जाएगा। तो आज का आपका दिन और सारा जीवन बहुत ही मीठा मीठा बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।